काट लिए हैं, ऐसे पूरे बैंगन मैंने ऐसे काटे हैं, और ये टमाटर मैंने काट के रखे हैं, ये लहसुन है और ये प्याज है, तो इनको मैं सबको मसाला बना के भूनूंगी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन, क्योंकि इन बीच में से काट के और इनको भर के बनाएंगे। तो अभी पहले मैं इनको धो लेती हूँ। इसमें ऐसे डाल देती हूँ अच्छा पानी। अच्छा नीचे करो। तो मैं इन धो लेती हूँ। और ये बैंगन मैंने धो लिए है, तो अभी इनको मैं काटती हूँ। तो ऐसे काटूंगी मैं। देखो और इसको भी मैं ऐसे ही काटती हूँ, सबको ऐसे ही काटूंगी। ये भी मैंने ऐसे ही काट लिया है, देखो काट लिए है ऐसे पूरे बैंगन मैंने ऐसे ही काटे हैं, और ये टमाटर मैंने काट के रखे हैं, ये लहसुन है और ये प्याज है, तो इनको मैं सबको मसाला बना के भूनूंगी। तो हमने आग जला ली है, वो आपको वो करैया हम रखते हैं चूल्हे पे। तो मैं अब सरसों का तेल डालती हूँ कढ़ाई में। ये मैंने इतना सरसों का तेल डाला है, तो इसको मैं गर्म होने तक रखती हूँ। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है तेल। देखो मैंने जीरा डाल दिया है उसमें, और डालती हूँ मैं प्याज को। प्याज को थोड़ी पकने देती हूँ। तो प्याज हमारी देखो पक चुकी है। तो मैं डालती हूँ इसमें लहसुन के पत्ते, लहसुन के पत्ते हमने डाल दिए इसमें। अब डालती हूँ मैं टमाटर, टमाटर मैंने काट के रखे थे 3 टमाटर, इसको मैं पकाती हूँ टमाटर को। इसी में मैं डाल देती हूँ मसाले, ये हल्दी है तो मैं डालती हूँ हल्दी, और डालती हूँ लाल मिर्ची। अब डालती हूँ नमक, तो ये मैंने डाल दिया, और इसी में डाल देती हूँ गरम मसाला। मसाले को मैं मिला लेती हूँ, देखो थोड़ी देर हम इसको पकने देंगे। तो अभी मैं इसको पकाऊंगी, क्योंकि इसमें टमाटर है और पूरा मसाला है। तो हमारा मसाला पक चुका है, और इसको हम उतारते हैं मसाले को, पूरी कढ़ाई उतारती हूँ। तो ये मैंने उतार ली है, और इसमें मैं मसाला भरती हूँ। ये मैं भर रही हूँ ऐसे,
भर भर के मैं एक तरफ इसमें रख लेती हूँ। बैंगन भर गए हैं, ये एक बैंगन रह गया है तो इसको भी मैं भर लेती हूँ। तो ये देखो हमारे बैंगन भर चुके हैं पूरा मसाला, देखो कैसा भरा है। तो ये रखे हमारे भरे भरे वाले बैंगन, और इसको मैं कढ़ाई चूल्हे पे दोबारा से रखती हूँ। इसमें अभी मसाला है, तो मैं इसे बैंगन को मैं इसी में रख देती हूँ एक एक करके। इसमें अभी मसाला है, ये मैंने बैंगन पूरे रख दिए हैं, तो इसको मैं इसी में तेल है और इसको मैं इसी में डाल देती हूँ। अभी मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा पानी, तो इसको मैं ये थाली को मैं धो लेती हूँ और ये पानी को मैं इसी में डाल देती हूँ। इतना मैंने पानी दिया है, डाल दिया है इसमें, तो अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ। 10-15 मिनट पकाएंगे हम इनको, तो देखते हैं हमारी सब्जी बन गई क्या। तो हमारी सब्जी बन गई है, ये देखो हमारे बैंगन पक चुके। तो मैं सब्जी को उतार लेती हूँ। मैं सब्जी को उतार लेती हूँ, तो सब्जी मैंने उतार ली है और इसमें डालती हूँ हरी धनिया। हरे धनिया मैंने काट कर रखे थे, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।